हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ओजोन के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी इकट्ठी करेंगे, इसके महत्व को समझेंगे। क्योंकि आज 16 सितंबर 2020 है और इसी के दिन वर्ल्ड ओजोन कंजर्वेशन डे अर्थात विश्व ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम लोग ओजोन से जुड़े हुए हर एक सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, अपने मन के जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आप बहुत सारे सवालों का जवाब दे पाएंगे, जैसे कि ओजोन क्या होता है, उसको किस तरह से लेबोरेटरी में बना सकते हैं, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, वो कहाँ पे मिलता है हमें, कहाँ पाया जाता है, उसके किस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ओजोन लेयर क्या होता है, ये कैसे बनता है और ये स्ट्रेथोस्फेयर में ही क्यों बनता है, बाकी दूसरे लेयर में क्यों नहीं बनता, ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या होता है, ओजोन का जो परत है वो उसकी क्षरण क्यों हो रही है, उसकी जो लेयर है वो कम क्यों हो रही है और कम किस मैकेनिज्म के आधार पर हो रही है, किस प्रकार से हो रही है, उस चीज़ को भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अंटार्कटिका में ओजोन होल किस लिए पैदा हो गया और वो धीरे धीरे कैसे हील कर रहा है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि ओजोन लेयर जो होती है वो हमें सूर्य की खतरनाक पराबैंगनी किरणों, जिसे अल्ट्रा वायलेट रेज भी कहते हैं, उससे कैसे हमें बचाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसके प्रिवेंशन में देखेंगे कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स HCFCs जो है एक अच्छा अल्टरनेटिव है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की तुलना में, तो वो किस प्रकार से है। तो सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं हम लोग ओजोन से, कि ओजोन क्या होता है। ओजोन की कहानी शुरू करने से पहले आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं अपने एटमॉस्फेयर अर्थात अपने वातावरण के बारे में। हम सभी जानते हैं कि अर्थ के चारों तरफ बहुत किलोमीटर तक हवा की एक मोटी परत है, जिसे हम लोग एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। एक बहुत ही मोटी प्रोटेक्टिव लेयर है, ब्लैंकेट है, जिसे हम लोग एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। इसको अलग अलग लेयर में बांटा गया है, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेथोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। मतलब सबसे शुरुआती जो ट्रोपोस्फेयर है, ये क्षोभ मंडल भी इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, ये 0 से 20 किलोमीटर तक फैला है। स्ट्रेथोस्फेयर जिसे समताप मंडल भी कहते हैं, ये 20 से 50 किलोमीटर के रेंज में ये पाया जाता है। मेजोस्फेयर ये मध्य मंडल के नाम से जाना जाता है, ये 50 से लेकर 85 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसके बाद हमारा थर्मोस्फेयर आता है, यह 85 से लेकर 700 किलोमीटर के आसपास फैला रहता है। और लास्ट में हमारा एक्सोस्फेयर आता है, इसी में हमारा आयनोस्फेयर भी मौजूद रहता है। ये लगभग 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, यहाँ सेटेलाइट वगैरह रहते हैं। तो मेन हमें यहाँ पर फोकस करना है स्ट्रेथोस्फेयर पर, चूँकि ओजोन जो है जिसे जिसका फॉर्मूला O3 होता है, और जो ओजोन लेयर है वो इसी स्ट्रेथोस्फेयर में बनता है, टूटता है। वो किस प्रकार से बनता टूटता है उस चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे, क्या मैकेनिज्म है। साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि यह इसी लेयर में क्यों बनता है, ट्रोपोस्फेयर में क्यों नहीं बनता, मेजो में क्यों नहीं बनता, थर्मो में क्यों नहीं बनता, और भी लेयर में क्यों नहीं बनता। तो ये हो गए एटमॉस्फेयर के लेयर्स। इसके बारे में हम लोग अलग लेक्चर में बारी बारी से समझेंगे कि किस लेयर में कौन सी घटनाएँ घटती रहती हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं ओजोन के बारे में कहानी। ओजोन का केमिकल फॉर्मूला O3 होता है, ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसे रूफ टू लाइफ अर्थात जीवन का छत भी कहा जाता है, क्योंकि यह अर्थ के चारों तरफ स्ट्रेथोस्फेयर में एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है और हमें सूरज की खतरनाक पराबैंगनी किरणों से प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इसे रूफ टू लाइफ भी कहा जाता है। इसके पीछे जो हिस्ट्री छिपी है, इसकी खोज के पीछे, उस चीज़ को समझते हैं। 1758 में वैन मरुम ने ऑब्जर्व किया कि जब हम लोग एक सूखी हवा से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कराते हैं तो एक अजीब तरह का रोटेन स्मेल उनको दिखाई देता है या उनको स्मेल आता है, तो उस समय वो नहीं बता पाए कि यह स्मेल किस वजह से है। तो 1840 में सोनबेन ने ये बताया कि यह स्मेल जो है वो एक गैस के बनने की वजह से हुआ, जिसका नाम उन्होंने ओजोन रखा। ओजो का मतलब होता है आई स्मेल, उन्होंने चूँकि वो स्मेल कर रहे थे इसलिए उसका नाम ओजोन रख दिया, ओजो से ओजोन नाम पड़ गया। 1866 में सोरेट ने ओजोन का फॉर्मूला बताया कि O3 होता है। वो किस तरह से ड्राइव किए वो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने इस चीज़ का फॉर्मूला ड्राइव किया। उसके बाद ऑक्सीजन का जो अगर एलोट्रोप्स की बात करें तो यह ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का ही एक एलोट्रोप्स है। एलोट्रोप्स क्या होते हैं इसके ऊपर मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ओजोन जो लेयर है वो स्ट्रेथोस्फेयर में मौजूद रहता है, वहाँ बनता है टूटता है। इसकी थिकनेस की बात करें, ओजोन लेयर की थिकनेस, तो उसकी थिकनेस डॉब्सन यूनिट में मेजर की जाती है। ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको इसके कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को बताया, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसे लेबोरेटरी में किस तरह से बनाया जा सकता है।
ओजोन को बनाने के लिए जिस एपराटस का इस्तेमाल किया जाता है उसे ओजोनाइजर कहा जाता है। दो साइंटिस्ट साइमन और ब्रोडी ने अपने अपने अलग अलग ओजोनाइजर बनाए एपराटस बनाए जिसमें उन्होंने ओजोन का प्रिपरेशन करके दिखाया। ओजोनाइजर मान लेते हैं, ये हमारे पास ओजोनाइजर है, उसमें साइंटिस्टों ने ड्राई ऑक्सीजन को भर दिया। ड्राई ऑक्सीजन से जब उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट पास कराई, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कराई बहुत ही हाई वोल्टेज वाली, तो सबसे पहले क्या घटना घटी कि ओजोन जो ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल्स था वो अपने ऑक्सीजन परमाणु में टूट गया। ऐसा माना जाता है कि ये अपने ऑक्सीजन परमाणु में क्या हुआ, टूट गया। फिर बाद में यही ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से कंबाइन करके ओजोन बना लिया। तो अगर बैलेंस करना चाहेंगे ओवरऑल इक्वेशन को तो हम इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं कि तीन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके हमें दो ओजोन के मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं। यहाँ पे एक बात और गौर करनी है कि जिस अपार्टस अर्थात ओजोनाइजर में हम लोग ड्राई ऑक्सीजन ले रहे हैं उसमें लगभग 5 से 10% ही ओजोन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और पूरी तरह से उसमें ड्राई ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। तो इस मिक्सचर को, ऑक्सीजन और ओजोन के जो मिक्सचर है, इसी मिक्सचर को हम लोग ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। इसको बाद में प्योरीफाई कर लिया जाता है, ओजोन को अलग कर लिया जाता है। तो ये हो गई लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात। अब आइए समझते हैं कि इसके स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं, कहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है। ओजोन जो है वो हमें वी शेप में दिखाई देगा। इसका स्ट्रक्चर वी शेप का होता है, आप यहाँ देख सकते हैं वी शेप का स्ट्रक्चर है। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से किस प्रकार से जुड़ा आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में वो 1.278 एंगस्ट्रॉम होता है, और जो डबल बॉन्ड देख रहे हैं उसमें भी वही देखने को मिलता है, और सिंगल बॉन्ड है वह भी आपको सेम देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों के बीच में रेजोनेंस होती रहती है, तो दोनों जो बॉन्ड हैं ना कोई सिंगल बॉन्ड है ना कोई डबल है, बल्कि उन दोनों का बीच का 1.5 बॉन्ड को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए बॉन्ड लेंथ दोनों का सेम है रेजोनेंस की वजह से। इसके बारे में हम लोग रेजोनेंस जब पढ़ेंगे तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये बॉन्ड एंगल 116.8 डिग्री बॉन्ड एंगल इसका होता है। ओ ओ ओ ओ के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वह 116.8 डिग्री के आसपास होता है। इसके अगर ऑकरेंस की बात करें कि हमें कहाँ मिलता है, तो मैंने जैसा कि बताया कि ये स्ट्रेथोस्फेयर में विद्यमान होता है, वहाँ पर ये पाया जाता है, वहाँ पे बनता भी है, वहाँ पे टूटता भी रहता है, वहाँ बनता भी रहता है। अगर हम लोग अगर दूसरे इसके मतलब ऑकरेंस की बात करें तो ये समुद्र के किनारे बड़े बड़े जो हमारे झील होते हैं, सी साइड होते हैं, वहाँ भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये देखे गए हैं, ओजोन जो हैं थोड़े देखे गए हैं, इवेपोरेशन ऑफ वाटर के वजह से ये बनते रहते हैं वहाँ पे। अब आइए समझते हैं कि ओजोन के क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ओजोन गैस एक बहुत ही जहरीली गैस है, ये पेल ब्लू गैस होती है जिसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। ये लिक्विफाइड हो जाती है -112.4 डिग्री सेल्सियस पे, और ये इसके क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं -249.7 डिग्री सेल्सियस पर। ये हवा से थोड़ा भारी होता है, आप जैसे देख सकते हैं ओजोन का फॉर्मूला O3 है और ऑक्सीजन का O2 है, इसमें एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो ऑब्वियस है कि ये ज़्यादा भारी होगा ऑक्सीजन की तुलना में। उसके बाद जो चौथी प्रॉपर्टी है ओजोन की वह यह है कि ये वाटर में थोड़ा सोल्यूबल है, लेकिन ज़्यादा सोल्यूबल ये जो ऑर्गेनिक हमारे पास इनऑर्गेनिक जो हमारे सॉल्वेंट्स हैं उसमें, जैसे हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है, टर्पेंटाइन ऑयल है, तो जो जनरली नॉन पोलर नेचर के हैं उनमें ये ज़्यादा सोल्यूबल देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो पांचवी प्रॉपर्टी है ओजोन की वह यह है कि अगर थोड़ी सी मात्रा अगर इसको लिया जाए तो ये हेडेक और नौशिया उत्पन्न कर देगा। जैसे कि मैंने कहा कि ये काफ़ी जहरीली गैस है, ज़्यादा मात्रा लेने पर व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो आइए अब आगे समझते हैं ओजोन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। ओजोन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग चार हेडिंग में पढ़ेंगे, पहला डिकम्पोजिशन, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तीसरा ब्लीचिंग एक्शन और चौथा ओजोनोलिसिस। डिकम्पोजिशन की बात करते हैं सबसे पहले। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये टूट सकता है, अर्थात जब हम लोग ओजोन जिसे हम लोग O3 कह रहे हैं, अगर इस पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट दिया जाए, लगभग 300 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट दिया जाए, तो ये ओजोन फिर से अपने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ये टूट जाएगा, 3O2 मॉलिक्यूल में टूट जाएगा अगर हम यहाँ पे इस तरह से इसको बैलेंस कर देंगे। तो ये इसकी डिकम्पोजिशन की बात हो गई।
इस डिकम्पोजिशन को अगर फास्ट कराना हो तो हम लोग कुछ कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि MnO2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लेटिनम ब्लैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिल्वर भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेड ऑक्साइड वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे जो डिकम्पोजिशन रेट को ये इंक्रीज कर देंगे। दूसरा, इसके ऑक्सीडाइजेशन को देखते हैं। अभी चूँकि हम लोगों ने देखा कि ओजोन जो है वो ब्रेक होकर के हमें O2 और ऑक्सीजन देता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है। इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अस्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर को शो करता है। ये काफ़ी ज़्यादा अस्ट्रॉन्ग नेचर का होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कुछ एग्जांपल्स की, तो आप समझ सकते हैं कि ये HCl को Cl2 में कन्वर्ट कर देता है, HBr को Br2 में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हमारे पास HCl है, अगर हम लोग ओजोन इसको दे देते हैं तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा Cl2 में कन्वर्ट कर देगा, साथ ही साथ हमें वाटर भी देगा और कुछ मात्रा में ऑक्सीजन भी निकलेगी। अगर HBr की बात करें तो यह भी इसे Br2 में कन्वर्ट कर देगा। बाकी सेम चीज़ें इस तरह से बनेंगी। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। दूसरा, अगर हम लोग दूसरा मटेरियल ले लें, जैसे हम लोग अगर KI ले लें और अगर इसको ओजोन से रिएक्शन करवाएं तो ये इसको KOH में कन्वर्ट कर देगा और साथ साथ हमें I2 देगा, अर्थात ये KI को I2 में ऑक्सीडाइज कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास लेड सल्फाइड है PbS, अगर इसको ओजोन से रिएक्शन करा दे तो इसको PbSO4 में ऑक्सीडाइज कर देगा, साथ साथ हमें ऑक्सीजन भी देखने को मिलेगा। उसके बाद और भी एग्जाम्पल हमारे पास हैं, जैसे कि अगर हम लोग आयोडीन ले लें और ओजोन ले लें, साथ में वाटर भी रहेगा हमारे पास, तो ये आयोडीन को आयोडिक एसिड HIO3 में कन्वर्ट कर देगा, साथ साथ हमें ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है हमारा। अगर हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड ले लेते हैं, H2S ले लेते हैं और ओजोन से इसका रिएक्शन करवा देते हैं तो हमें वाटर देखने को मिलेगा, सल्फर अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन भी हमें देखने को मिलेगा। तो H2S को इसने ऑक्सीडाइज कर दिया, हमें H2S को ऑक्सीडाइज कर दिया किसमें, हमें H2O में। तो ये काफ़ी ज़्यादा हाईली ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे। अब इसके ब्लीचिंग एक्शन की बात करता हूँ मैं। ब्लीचिंग एक्शन भी इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से होता है। O3 जब टूटता है तो ये O2 और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से इसका ब्लीचिंग एक्शन देखने को मिलता है। जब कोई कलर्ड सबस्टांस इस ऑक्सीजन के संपर्क में, नेसेंट ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन इस कलर्ड सबस्टांस को ऑक्सीडाइज कर देगा और उसके जो कलरिंग प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करके हमें कलरलेस सबस्टांस दे देगा। इसलिए इस तरह से क्या हो जाएगा कि ब्लीचिंग एक्शन हमें देखने को मिल जाएगा ओजोन का। ये बहुत सारी चीज़ों को ब्लीच कर सकता है, जैसे ऑयल को ब्लीच कर सकता है, आटे को ब्लीच कर सकता है, स्टार्च को ब्लीच कर सकता है, वैक्सेस जो होते हैं, वुड पल्प जो होते हैं उनको ब्लीच कर सकता है। काफ़ी अच्छा मटेरियल है ब्लीचिंग एजेंट की तरह, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में हमारा है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस का मतलब होता है कि हम किसी भी अल्कीन को ओजोन से रिएक्शन कराते हैं। ये अल्कीन को पहचानने का एक तरीका भी है कि अगर आप किसी अल्कीन को ले लें और इसका अगर ऑक्सीजन से ओजोन से ट्रीटमेंट कराएं तो आपको ओजोनोलिसिस देखने को मिलेगा। अर्थात यहाँ पर दो कार्बन है तो दोनों कार्बन में आपको ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये अल्कीन को पहचानने का भी एक तरीका शो करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन करते हैं, बहुत सारे पेरोक्साइड से भी रिएक्शन करते हैं, तो वो अलग एडवांस लेवल की बात है। तो अभी जनरली आपको चार तरह के रिएक्शंस मेन फोकस करने हैं। पहला डिकम्पोजिशन, देखा आपने किस तरह से ओजोन जो है वो टूट गया ऑक्सीडाइजिंग, चूँकि ये ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा था, बहुत सारे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर रहा था। ब्लीचिंग एक्शन, ये बहुत सारे सब्सटेंस को ब्लीच कर रहा था। ओजोनोलिसिस, ये अल्कीन को पहचाने का तरीका है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से ओजोनोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। ओजोनाइट का फॉर्मेशन होता है और वो जो अल्कीन है उसको एल्डिहाइड वगैरह में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लोग लेते हैं ओजोनोलिसिस का, जैसे हमारे पास मान लेते हैं कि एक अल्कीन है RCH(CHR) मान लेते हैं, ये हमारे पास अल्कीन है। अगर इसको हम लोग ओजोन से ट्रीटमेंट कराएं तो सबसे पहले ओजोनाइड बनेगा। ओजोनाइड किस तरह से बनेगा, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा ओजोनाइड हमारा, OCH और इधर भी हमारा CH रहेगा और इन दोनों से हमारा क्या जुड़ा रहेगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। इस तरह से मतलब हमारे पास इस तरह से आकर के
ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे आर बच गया, इधर आर बच गया। उसके बाद फिर से इसका अगर हम लोग फर्दर रिएक्शन करा दें तो हमें अल्डिहाइड देखने को मिलेगा, सी एच ओ हमको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली अल्कीन को पहचानने का एक तरीका भी है, ओजोन से हम लोग ओजोनेसिस कराते हैं जिससे हम लोग अल्कीन की पहचान भी कर लेते हैं। अब आइए ओजोन के यूजेस को समझते हैं। सबसे पहला यूजेस जो है एक जर्मीसाइड के रूप में, जर्मीसाइड का मतलब हुआ जर्म्स को जो मारने वाले केमिकल्स होते हैं, कीटनाशक जो होते हैं उन्हें जर्मीसाइड कहा जाता है। डिसइन्फेक्टेंट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, पानी को डिसइन्फेक्ट करना हो तो इनका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे बहुत सारा क्राउडेड जगह हो जैसे रेलवेज, माइंस, सिनेमा हॉल्स, वहाँ के एटमोसफेयर को अगर सुधारना हो तो हम लोग ओजोन का इस्तेमाल करते हैं। ब्लीचिंग एजेंट, अभी देखा हम लोगों ने ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है ये, आटे, वैक्स, इबोरी, तेल, डेलिकेट जो फैब्रिक्स होते हैं इनको ब्लीच करने में इसका इस्तेमाल होता है। ये आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में, सिंथेटिक फिल बनाने में, सिंथेटिक कैम्फूर बनाने में, पोटेशियम परमानेंट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये डबल बॉन्ड, अभी मैंने बताया ओजोनोलिसिस से डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने, किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या नहीं है तो उसका इस्तेमाल, ओजोन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करके वहाँ एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देता है जिससे पता चल जाता है कि हाँ किसी कंपाउंड में हमारा डबल बॉन्ड मौजूद था। ये हमारे जो बड़े बड़े होटल्स हैं, किचन है, और जहाँ पे मुर्गे या बकरियों को काटा जाता है, स्लॉटर हाउस जिसे कहा जाता है, वहाँ पे जो अजीब तरह की जो स्मेल आती है उस गंध को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग ओजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी बातें हमारे ओजन के बारे में हो गई। अभी तक हम लोगों ने ओजन के पूरी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस को देखा। अब हमें समझना है ओजोन लेयर के बारे में और बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढना है। अब आइए समझते हैं कि प्रकृति ने खुद अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ओजोन लेयर का परत किस तरह से बनाया। तो हम सभी जानते हैं कि सन जो होती है उसमें तीन तरह की लाइट्स निकलती रहती हैं, इंफ्रा रेड, अल्ट्रा वायलेट रेज और विजिबल रेंज की जो किरणें निकलती रहती हैं। जनरली इसमें हमें 7 तरह के कलर दिखते हैं, बीबीग्योर जिसे हम लोग याद करते हैं। तो ये जो हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो काफ़ी ख़तरनाक होती हैं। इनकी जो रेंज होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 200 से 400 के बीच में रेंज इनकी होती है। 200 से 400 नैनोमीटर वाले जो रेज होते हैं वो यूवी रेज के अंतर्गत फॉल करते हैं। तो अभी हम लोग ने देखा कि जो अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती हैं यूवी रेज, उसकी जो रेंज होती है वो 100 से लेकर 400 नैनोमीटर के आसपास उनकी रेंज पाई जाती है। तो ये हमारे जो यूवी रेज हैं और कोई भी रेज जनरली जो सनलाइट से आती हैं वो जनरली फोटोन से मिलकर होती हैं। फोटोन एनर्जी पैकेट्स होते हैं, एनर्जी बंडल्स होते हैं, उनका एक पार्टिकुलर वेवलेंथ, वेव नंबर वगैरह होता है। तो उनकी जो वेवलेंथ रेंज है वो 100 से 400 नैनोमीटर है। ये हमारे स्किन, हमारे बॉडी, हमारे इस पूरे अर्थ के जीवों के लिए बहुत ही खतरनाक है ये रेंज वाले जितने भी नैनोमीटर्स हैं। तो इन्हीं नैनोमीटर का जो ओजोन लेयर है वो किस तरह से यूज करता है उसके अपने बनने और बिगड़ने में, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो होता क्या है कि जब 180 से लेकर 240 नैनोमीटर वाला वेवलेंथ वाला लाइट ऑक्सीजन पे पड़ता है जो जनरली स्ट्रेथोस्फीयर में देखने को मिलता है, जब उस पर 180 से लेकर 240 नैनोमीटर वाला लाइट पड़ता है तो वह ब्रेक हो जाता है अपने ऑक्सीजन एटम्स में, ऑक्सीजन के जो नेसेंट ऑक्सीजन जिसे हम लोग कहते हैं नवजात ऑक्सीजन, उसमें वो टूट जाता है। फिर यह नवजात ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से कंबाइन करके ये हमें O3 अर्थात ओजोन का फॉर्मेशन दिया। अर्थात ओवरऑल क्या देखा हम लोगों ने कि वो जो ऑक्सीजन जो है जब इस पर 180 से ले करके 240 नैनोमीटर वाला लाइट पड़ा तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन में टूट गया। अब फिर ये ऑक्सीजन फिर इसी ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिल करके, ऑक्सीजन जिसे हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन कह रहे हैं, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिल करके O3 बना दे रहा है। तो ये पहला स्टेप हो गया हमारा कि इस प्रकार से जो ऑक्सीजन था वो खतरनाक जो यूवी रेडिएशन था 180 से 240 नैनोमीटर वाला उसको एब्जॉर्ब करके ख़त्म कर दिया, यूवी रेडिएशन ख़त्म हो गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ मेटल का इस्तेमाल किया है। तो होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन है वो हीट एनर्जी को, अर्थात ये एक जो थर्मिक रिएक्शन को शो करता है। तो अधिकांश जो एनर्जी जो होती है
तो उस एनर्जी को ये मेटल एब्जॉर्ब कर लेता है और फर्दर जो ऑक्सीजन का जो ओजोन का जो डिकम्पोजिशन है उसको नहीं होने देता है। इसलिए यहाँ पे कुछ तरह के हमारे पास मेटल्स हैं जो क्या करते हैं उसके फर्दर डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मेटल मतलब इनर्ट सब्सटेंसेज जनरली लेते हैं, मेटल्स नहीं लेते हैं, जनरली इनर्ट सब्सटेंस जैसे कि N2 ले लेते हैं। तो ये क्या करता है, एक्सेस जो एनर्जी निकलती है उसको क्या करते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ओजोन के फर्दर डिकम्पोजिशन को रोक देते हैं। तो स्टेप वन में हम लोग ने देखा कि ऑक्सीजन क्या किया, 180 से 240 नैनोमीटर वाले जो जितने भी वेवलेंथ वाले लाइट थे उसको ऑब्जर्व कर लिया और ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन दिया। ये नवजात ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया और ओजोन बनाया, हीट निकली, हीट जो है वो इसने काउंटर बैलेंस कर दिया और इसके डिकम्पोजिशन को बचा लिया, ओजोन के डिकम्पोजिशन को बचा लिया। उसके बाद होता क्या है कि हमारा रेंज जो है यूवी का रेंज कितना से कितना था, 100 से लेकर 400 तक था। तो 100 से यानी कि 180 से लेकर 240 तक तो खपत हो गई, अब बची रह गई हमारे पास 240 से लेकर 360 नैनोमीटर वाले जो लाइट होते हैं जब यह ओजोन पे पड़ते हैं। अभी तक हम लोग देखा कि O2 और ऑक्सीजन मिल करके O3 बना दिया था और 180 से लेकर 240 नैनोमीटर ख़त्म हो गई थी यूवी रेज। अब ये जो ओजोन है फिर से क्या होगी कि जब 240 से लेकर 360 नैनोमीटर वाला लाइट जब इस पर पड़ेगा तो यह फिर से ऑक्सीजन और O2 में टूट जाएगा, O2 और ऑक्सीजन और O2 में ये टूट जाएगा। तो ओवरऑल नेट रिएक्शन क्या हुआ कि ऑक्सीजन से ओजोन का बनना और ओजोन का फिर से ऑक्सीजन में टूट जाना दोनों एक साथ प्रक्रियाएं होती हैं, अलग अलग नहीं होती हैं, दोनों साथ साथ होती रहती हैं। क्योंकि जो ये वेवलेंथ वाली लाइट हैं वो तो एक ही साथ वहाँ पे गिर रही हैं, तो ये दोनों एक साथ इक्विलिब्रियम में चलते हैं। मतलब इस तरह से चलते हैं कि ऑक्सीजन फिर नेसेंट ऑक्सीजन से मिला, कब एक मैं रिवर्सिबल रिएक्शन दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये दोनों कंबाइन तब करते हैं जब 180 से लेकर 240 नैनोमीटर वाला लाइट इस पर पड़ता है, ये यूवी लाइट, यूवी रेंज वाला लाइट है। और फिर से जब 240 से लेकर 360 नैनोमीटर वाला लाइट पड़ता है तो ये फिर से जो ओजोन है ये फिर से वापस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम हमें देता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, दोनों इक्विलिब्रियम रहते हैं। इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये थोड़ा सा भी गड़बड़ा गया और ये बैकवर्ड चलना शुरू कर दिया तो ये ओजोन तो धीरे धीरे बनेगा ही नहीं बल्कि घटना शुरू हो जाएगा और ये ऑक्सीजन में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है। अभी आपने देखा कि किस तरह से यूवी रेडिएशन अपने आप ख़त्म हो गई, ऑक्सीजन के बनने में 180 से 240 यूवी रेडिएशन वाला ख़त्म हो गया और ओजोन के टूटने में 240 से 360 नैनोमीटर वाला जो यूवी खतरनाक पराबैंगनी किरणें थी वो खपत हो गई। तो ओवरऑल ऑक्सीजन के बढ़ने, ओजोन के बनने और ओजोन के टूटने में सारी यूवी रेज खपत हो रही हैं और लगभग 90 से 95% किरणें इसी में खपत हो जाती हैं। 5% किरणें बचती हैं जो अर्थ तक पहुंच ही पाती हैं, तो उससे उतना खतरा नहीं रहता। लेकिन जब यही अगर हमारा ओजोन लेयर 5% पतला हो जाए तो हमें 20% बढ़ जाती है कैंसर होने की संभावना, हमारे अंदर कैंसर होने की संभावना 20% बढ़ जाएगी। अगर 5% ओजोन लेयर डिप्लेट हो गया हमारा तो 20% हमारे शरीर में कैंसर होने की खतरा बढ़ जाएगी। दूसरा बात हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे इनर्ट गैस, इनर्ट सब्सटेंस लेने का मकसद क्या था कि यह जो हीट निकल रही थी जब ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन का मान कर रहे थे, ओजोन बन रहे थे क्योंकि एक जो थर्मल रिएक्शन था, तो ये क्या किया, इनर्ट सब्सटेंस जो हीट निकल रही थी उसको कुछ एब्जर्व कर लिया कुछ अमाउंट में और एक्साइटेड हो गया खुद, जिसकी वजह से फर्दर जो ऑक्सीजन का डिकम्पोजिशन था 300 डिग्री सेल्सियस पर हम लोगों ने देखा था कि ओजोन का डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो ये ओजोन का डिकम्पोजिशन होने से रोक दिया। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। तो अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ओजोन लेयर हमें खतरनाक पराबैंगनी किरणों से बचाया। तो कभी भी दिमाग में ये चीज़ मत डालें कि ओजोन लेयर पहले से ऑलरेडी बन चुकी है और वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है, नहीं, वो क्या हो रही है, लगातार बन रही है, टूट रही है, बन रही है, टूट रही है, और बनने टूटने में सारा हमारा जो खतरनाक पराबैंगनी किरणें हैं वो खपत हो जा रही हैं, लगभग 95% जो किरणें हैं ख़त्म हो जा रही हैं। अब हम समझते हैं कि ये स्ट्रेथोस्फेयर में ही क्यों बन रही है। यहाँ पे एक चीज़ और समझनी है आपको कि अभी हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन एटम से कंबाइन किया था 240 नैनोमीटर का किरणें, लगभग इससे कम किरणें जब पड़ी थी इस पर, तो ये जो है सो O3 बना लिया था, और जब 240 से ज़्यादा वाली नैनोमीटर वाली किरणें जब पड़ी थी तो ये ओजोन जो है टूट करके फिर से ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि ओजोन के बनने का जो रेट है या फिर जो
उसकी संभावना है वो कब बढ़ेगी कब कम हो जाएगी। तो ओजोन का रेट तभी बहुत ही फास्टली तभी बनेगा ना जब ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। तो जब ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल हो तो हमारा जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा ओजोन का वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो मतलब सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, दूसरा जो है सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना मिल रहा है, मतलब उसमें ऑक्सीजन एटम कितना मिल रहा है वो भी डिपेंड करता है, और कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से उस पर भी डिपेंड कर रहा है। उसके बाद जो तीसरा जो चीज़ है वो यह देखनी है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में कोलिजन कैसे हो रहा है। आप आगे जाकर थ्योरी पढ़ेंगे कि इफेक्टिव कोलिजन जितने ज़्यादा होंगे किसी रिएक्शन में उतना ज़्यादा हमको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, उतना हमको एक रिजल्ट हम देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, वरना प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो तीन बातें पर डिपेंड की हमारी ओजोन के बनने की, पहली की कितना हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, कितना ऑक्सीजन एटम का फॉर्मेशन हो रहा है, और तीसरा इनके बीच में कोलिजन कितना इफेक्टिवली हो रहा है। तो अब इसी चीज़ में हमारा यह आंसर छिपा है कि स्ट्रेथोस्फेयर में ही ओजोन लेयर क्यों बनता है, दूसरे लेयर में क्यों नहीं बनता। आइए समझते हैं कि वो दूसरे लेयर में क्यों नहीं बनता। अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे पास पांच लेयर थे। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर था, फिर हमारे पास अस्ट्रेथोस आया, फिर मेजो आया, फिर थर्मो आया, फिर हमारे पास आयनोस्फेयर या एक्जोस्फेयर आया। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रेथोस्फेयर से जो ऊपर वाले लेयर हैं उनमें ओजोन लेयर का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है। तो हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, अल्टीट्यूड पर जाएंगे, हाई या अल्टीट्यूड पर जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो घटता चला जाएगा। ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, घटता चला जाएगा। उसकी फिर क्या होगी, उसकी डेंसिटी घटती चली जाएगी। डेंसिटी घटेगी अर्थात ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन घटेगा, मीन्स उसका प्रेशर घटता चला जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई की ओर बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे हमको क्या देखने को मिलता है कि ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है, उसकी डेंसिटी है, उसका जो प्रेशर है वो घटता चला जाता है। तो अब अभी आपने देखा कि ओजोन का जो फॉर्मेशन था O2 और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा था, 240 नैनोमीटर से कम वाला जब ले रहे थे तो ओजोन बन जा रहा था, शॉर्ट वेवलेंथ जब ले रहे थे यूवी रेडिएशन वाला तो ओजोन बन जा रहा था, और ओजोन जो है टूट जा रहा था जब हम लोग 240 से ज़्यादा बड़ा वाला नैनोमीटर वाला जो हायर वेवलेंथ वाला जो खतरनाक प्रभागिनी पड़ती थी जब ओजोन पे, तो ये फिर से टूट जाता था ओजोन में। तो ये बेसिकली ओजोन का फॉर्मेशन डिपेंड कर रहा था ऑक्सीजन के अमाउंट पे, कितना ऑक्सीजन अवेलेबल है उस जगह पे, कितना एटॉमिक ऑक्सीजन है, और उसके बाद कितना कोलिजन हो सकता है। तो ऑब्वियस है कि जब ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हमारा क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम लोग ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन गिर जाएगा। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन गिर गया इसका मतलब कोलिजन भी कम हो गया। तो जो इफेक्टिव फॉर्मेशन होना था ओजोन का वो तो नहीं हो पाएगा, इफेक्टिवली नहीं बन पाएगा, बहुत ही कम मात्रा बनेगा जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। तो इसलिए आपको ओजोन लेयर वहाँ पे दिखाई नहीं पड़ते हैं अगर आप स्ट्रेथोस्फीयर से ऊपर वाले लेयर में जाएंगे। तो बेसिकली उसके पीछे क्या रीज़न देखा हम लोगों ने कि वहाँ पे ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो कम है, कंसंट्रेशन कम है मतलब डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है मतलब प्रेशर कम है, प्रेशर कम है इसका मतलब कोलिजन बहुत ही कम होगा, कोलिजन कम होगा तो मीन्स जो ओजोन का फॉर्मेशन है वो बहुत ही कम अमाउंट में होगा और हमको ओजोन लेयर वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। अब बात करते हैं कि जो नीचे वाला स्ट्रेथोस्फीयर के जो नीचे वाला लेयर है ट्रोपोस्फीयर, जहाँ पे सभी पंछी वगैरह जहाज़ वगैरह उड़ते हैं, वहाँ पे ये क्यों नहीं बनता दिखाई देता है। तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि हम सभी जो धारी ऑक्सीजन का यूज़ कर ही रहे हैं, तो जो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है यहाँ अर्थ पे अधिकांश मात्रा में तो हम लोग जीव जंतु पेड़ पौधे वगैरह जो भी हैं तरह तरह के जीव जंतु वो सारे ऑब्जर्व कर लेते हैं, कुछ ही अमाउंट में हमारा बचता है तो वो इफेक्टिव नहीं हो पाता ओजोन लेयर के फॉर्मेशन के लिए, ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। तो लाइट एनर्जेटिक्स की वजह से क्या होता है ना कि ऑक्सीजन एटम टूट नहीं पाते, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो हैं टूटेंगे नहीं क्योंकि ऑक्सीजन अधिकांशतः तो एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं हमारे यहाँ जो जितने भी जो जीवधारी मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि लो अल्टीट्यूड पे बहुत ही नीचे वाले हिस्से में जनरली जिसको हम लोग ट्रोपोस्फीयर कर रहे हैं वहाँ पे ऑक्सीजन एटम जो हैं वो इनसफिशियंट अमाउंट में है, ऑक्सीजन एटम जो है हमारे वो इनसफिशियंट अमाउंट में प्रेजेंट है जिसकी वजह से ओजोन जो है नहीं फॉर्म हो पाता है। तो ओजोन लेयर जो है जनरली आपको 20 से लेकर के 35 किलोमीटर के रेंज में आपको बनता दिखाई देगा जो स्ट्रेथोस्फीयर के रेंज में लाइक करता है। यहाँ पे एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है ओजोन फॉर्मेशन का जिसकी वजह से आपको स्ट्रेथोस्फीयर में ही ओजोन लेयर के फॉर्मेशन को देखने को मिलता है। तो बेसिकली इस तरह से हम लोगों ने क्या क्या देखा कि ओजोन क्या है और किस तरह से
ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कर रहा है, किस तरह से हमें वो हार्मफुल यूवी रेज से बचा रहा है और वो स्ट्रेथोस्फेयर में ही क्यों बन रहा है। अब समझते हैं कि ओजोन लेयर जो बन चुका है अर्थ के चारों तरफ ऊपर वाले स्ट्रेथोस्फेयर में, वो कहीं कहीं डिप्लेट हो रहा है और बहुत ही ग्लोबल वार्मिंग जैसे सिचुएशन को क्रिएट कर रहा है। तो वो डिप्लेट क्यों हो रहा था, उसका क्षरण क्यों हो रहा है, क्यों उसकी परत जो है पतली हो जा रही है, इस चीज़ को समझते हैं। ओजोन परत के क्षरण का कारण हम सभी मानव ही हैं। हमने टेक्नोलॉजी के विकास के साथ बहुत सारी फैक्ट्रियां निकाली, बहुत सारी फैक्ट्रियां बनाई, बहुत सारे उद्योग स्थापित किए, तो उन सारे मानवीय कारणों की वजह से एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस की मात्रा बढ़ गई और वही गैसेस जो हैं अल्टीमेटली हमारे ओजोन लेयर के डिप्लेशन का कारण बनी। हम लोग बहुत तरह तरह के इंडस्ट्रीज़ लगाए हैं जहाँ पर डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड्स की गैसेस बहुत सारी निकलती हैं। हमारे पास सुपर जेट एयरक्राफ्ट्स हैं, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स हैं, उनसे बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलती हैं, जो मेन वजह बनती हैं ओजोन के लेयर का डिप्लेशन का। उसी प्रकार से हम लोग एसी, रेफ्रिजरेटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये नॉन टॉक्सिक, नॉन कम्बस्टेबल होते हैं, ज़्यादा लिक्विफिएबल आसानी से हो जाते हैं, तो इनका इस्तेमाल बहुत ही तेज़ी से किया जाने लगा एसी वगैरह में, और जो हमारे सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स हैं उनमें डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड का काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाने लगा। तो बेसिकली ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन का जो कारण है वह दो वजह है, एक तो नाइट्रोजन की ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन की ऑक्साइड किस तरह से इसका क्षरण करते हैं, ओजोन का क्षरण करते हैं, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो ये नाइट्रोजन की ऑक्साइड कहाँ कहाँ से हमें देखने को मिल रहे हैं, सबसे पहली बात कि फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं उससे हमें नाइट्रोजन की ऑक्साइड देखने को मिल रहे हैं, फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग उसकी वजह से हमें नाइट्रोजन की ऑक्साइड देखने को मिल रहे हैं, सुपरसोनिक जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें बहुत ही मात्रा में नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स निकलते हैं। ये नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स जब इन पर सनलाइट पड़ती है तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये नाइट्रिक ऑक्साइड फिर ओजोन को तोड़ देते हैं O2 में, और इस प्रकार से ओजोन जो है धीरे धीरे उसका लेयर पतला हो जा रहा है। तो बेसिकली नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं उसने क्या किया, ओजोन को तोड़ दिया ऑक्सीजन में, और वो जो लेयर थी वो पूरी तरह से वहाँ पे पतली होती नज़र आएगी आपको। दूसरा जो वजह है ओजोन लेयर के डिप्रेशन का वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हमारे पास बहुत तरह तरह के क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जैसे कि CF2Cl2, ये हमारे पास एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जब इस पर सनलाइट पड़ेगी तो ये हमें दूसरे तरह के क्लोरोफ्लोरोकार्बन देगा और साथ में क्लोरीन फ्री रेडिकल देगा। यही क्लोरीन फ्री रेडिकल जिम्मेदार होता है ओजोन को तोड़ने के लिए। तो ओजोन पे जैसे ही ये क्लोरीन रेडिकल पड़ेगी तो ये O2 में कन्वर्ट कर देगी ओजोन को और साथ में ClO बनाएगी, फिर ClO ऑक्सीजन से कमान होकर क्लोरीन गैस देगी और O2 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ओवरऑल क्या हुआ कि ऑक्सीजन मतलब ये जो ओजोन लेयर है वो क्लोरीन के प्रेजेंस में क्या हुआ, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमने देखा कि CFC और नाइट्रोजन के ऑक्साइड दो मेन वजह थे जो ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दे रहे थे उनसे रिएक्शन करके। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन लेयर को डिप्लेट करते हैं, इस चीज़ का पता किया गया और इसके पीछे उनको नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया, और इसका पता तब लगा जब ClO की उपस्थिति हमको पता चली। ClO वहाँ पे बन रहा था, इससे पता चला कि ज़रूर ओजोन जो है वो टूट रहा है, तभी ClO का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ओजोन लेयर के डिप्लेशन का जो मेन कारण था वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स थे और बहुत सारे हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स थे, जिसे ब्रांड नेम फ्रियोन के नाम से बेचा जाता है, फ्रियोन के नाम से, फ्रियोन 11, फ्रियोन 12, फ्रियोन 113, फ्रियोन 114, फ्रियोन 115। तो ये सारे हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ये जनरली क्लोरीन रेडिकल लिबरेट करते हैं, ये क्लोरीन रेडिकल फिर ओजोन को कमाइन करके ओजोन से फिर इसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे ओजोन लेयर हमारा उसका क्षति हो रहा है, उसका क्षरण हो रहा है। अब हम लोग समझते हैं कि अंटार्कटिका में ओजोन होल होने का क्या कारण है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये मैकेनिज्म को सपोर्ट किया गया इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखा गया कि ClO का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे एक बात और इंक्लूड करनी है कि जो क्लोरीन रेडिकल निकल रही है वो एक समय में लगभग एक लाख ओजोन मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दे सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल करना हमारे रेफ्रिजरेटर में
और हमारे दूसरे हाउस होल्ड जो प्रोडक्ट्स हैं जिनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की मात्रा पाई जाती है, तो उनका इस्तेमाल हमें कम करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक हो जाएंगे अगर हमारा ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाता है पूरी तरह से। तो क्या क्या इसके प्रभाव पड़ेंगे आगे हम लोग देखेंगे। आइए समझते हैं कि अंटार्कटिका में ओजोन होल किस वजह से हुई। तो होता क्या है कि अंटार्कटिका में ड्यूरिंग विंटर जाड़े के समय में वहाँ पे टेम्परेचर लगभग माइनस में चला जाता है, -80 -85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल जाती है और चारों तरफ जो है आपको बर्फ़ ही बर्फ नज़र आएगा। तो होता क्या है कि बर्फ़ के उन्हीं बादलों के ऊपर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जहाँ पे Cl2 गैस निकलती बनती दिखाई देती है, वहाँ पे HOCl हाइपोक्लोराइड जो एसिड है वो बनने को देखने को मिलता है, Br2 भी देखने को मिलता है कि बन रहा है। तो वो कैसे चीज़ें बन रही हैं समझते हैं। हमारे पास ClO है एटमॉस्फेयर में, NO2 भी एटमॉस्फेयर में, दोनों मिलकर के ClO NO2 बना लिए, फिर क्लोरीन मीथेन से मिलकर के मिथाइल फ्री रेडिकल HCl बना दिया, फिर ये जो हमारा ClO NO2 बना था वाटर से मिलके HOCl बना दिया, HNO3 भी बनाया, फिर यही चीज़ HCl से मिलकर के Cl2 गैस बना दी, अगर वो HBr से मिलती तो HBr2 हमारा बन जाता है यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कुछ वहाँ पे जाड़े के दिनों में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं -85 डिग्री सेल्सियस पे, बाद बर्फ के बहुत बड़े क्रिस्टल्स के क्लाउड के ऊपर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, कौन कौन से Cl2 HOCl Br2। तो यही जो Cl2 जो हैं और Br2 HOCl हैं वो जब फिर से सितंबर मंथ आते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत धूप निकलना शुरू हो जाता है, तो ये क्या करते हैं फिर HOCl सनलाइट जैसे ही पड़ती है इनमें, ये फिर Cl क्लोरीन हमें देना शुरू कर देते हैं, Cl2 भी जब लाइट इस पर पड़ेगी तो ये हमें क्लोरीन फ्री रेडिकल देंगे, और आप जानते हैं कि जब क्लोरीन रेडिकल हमें प्राप्त हो गया तो ये क्या करेगा, ओजोन से जैसे ही क्लोरीन मिलेगा ये ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा, और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो लगभग 100,000 ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जनरली हमने इसके पीछे क्या वजह देखी कि अंटार्कटिका में ओजोन होल हो गया, तो जनरली ओजोन होल अंटार्कटिका में होने का जो कारण है वह है कैटेलिटिक डिकम्पोजिशन। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं Cl2 HOCl Br2 ये सारे जो होते हैं वो कैटेलिटिक डिकम्पोजिशन कर दिया, किसका, ओजोन का। ओजोन जो था उसका उन्होंने कैटेलिटिक डिकम्पोजिशन कर दिया बाय गिविंग क्लोरीन फ्री रेडिकल। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोरीन रेडिकल दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये कैटेलिटिक डिकम्पोजिशन हो गया। और ख़ासकर ये कब हो रहा है, तो हर साल होता है सितंबर अक्टूबर में, जब कुछ कुछ धूप आना शुरू हो जाता है, कहाँ पे, अंटार्कटिका के एरिया में सितंबर अक्टूबर में जब धूप आना शुरू हो जाता है तो ये ओजोन जो है वहाँ टूटना शुरू हो जाता है, डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग कैटेलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं, और बहुत अधिक मात्रा में ये टूटने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो ओजोन लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा पतली हो जाती है और हमें बहुत बड़ा छेद दिखाई देने लगता है। तो ये इसके पीछे अंटार्कटिका के पीछे ये वजह थी, वहाँ पे -80 85 के पास टेम्परेचर पहुँचाने से बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस वहाँ पे बर्फ़ के ऊपर होने लगते थे, जिसमें से क्लोरीन और ब्रोमीन और HOCl प्रोडक्ट बन रहे थे जो बाद में हमें क्लोरीन दे रहे थे, वो क्लोरीन फिर ओजोन को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। ये सारी बातें हो गई हमारे अंटार्कटिका के बारे में। अब आइए समझते हैं कि ओजोन लेयर अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ना रहे, स्ट्रेटोस्फेयर में ना रहे, तो क्या क्या होगा। तो सबसे पहली बात, डायरेक्ट जो है पराबैंगनी किरणें धरती पर पहुँचेंगी, इससे स्किन कैंसर हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग आप समझ सकते हैं, 2-3 डिग्री सेल्सियस हर सालों में हमारा टेम्परेचर इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, बहुत ही खतरनाक है आने वाले समय के लिए। ग्लोबल वार्मिंग होने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, चारों तरफ बाढ़ आने की संभावना रह सकती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट से भी हमें देखने को मिल रहे हैं, स्किन बर्न भी देखने को मिल रहे हैं, अंधा भी हो जाता है लोग अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से, इरिटेशन होने लगता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, हेडेक वगैरह होने लगती है। उसके बाद इम्यून सिस्टम हमारा वीक पड़ जाता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी पेड़ पौधों को बाधा डाल देती है ये अल्ट्रावायलेट किरणें। और सबसे ज़रूरी बात कि ये न्यूक्लियाइक एसिड को डैमेज करते हैं। अभी मैंने कहा कि ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, मैंने कहा कि जो O3 गैसेज होती हैं, ओजोन गैसेज, वो बहुत ही खतरनाक होती हैं। तो इनके पीछे क्या रीज़न है, इस चीज़ को समझते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने देखा कि जब ओजोन ब्रेक करता है तो हमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन जो होती है वो बाद में हमारे जो न्यूक्लियक एसिड होते हैं, DNA होते हैं, उनको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। हमारे जो सेलुलर जेनेटिक्स इंटीग्रिटी है उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। मतलब बेसिकली अगर
हम लोग ओजोन गैस इनहेल करते हैं, तो पहली बात कि ये लंग्स में जाएगी, लंग्स में जाने के बाद ये वहाँ पे हीमोग्लोबिन से कंबाइन कर जाएगी, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसके सेलुलर स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकती है, डीएनए के जो स्ट्रक्चर हैं उनको डैमेज कर सकती है। तो इस वजह से क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस कहा गया है इसको, काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक गैस इसको कहा गया है। इसलिए प्रकृति ने समझ बूझ करके खुद से इस लेयर को एक निश्चित स्थान दिया है, ना इसको ज़्यादा नीचे दिया है, ज़्यादा नीचे रहती तो ये हमारे लिए काफ़ी ख़तरनाक रहती, पॉइजनस होती, तो हम अगर इसको इनहेल करते थे हम लोग मर भी सकते थे, और ना ही इसको ऊपर बनने दिया ताकि हम लोग यूवी रेस से बच सके। तो इसको एक अच्छा सा प्लेस दिया स्ट्रेटोस्फेयर में, वहाँ पे इसका फॉर्मेशन हुआ और हम लोग आज ख़तरनाक पराबैंगनी किरणों से बचे हुए हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। अब हम लोग नेक्स्ट एक लास्ट देखते हैं कि इसको बचाव करने के क्या क्या उपाय हैं, इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर हम ओजोन लेयर के डिप्लेशन को कम करना चाहते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर दूसरे भाषा में कहें कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात हम लोग बाइसिकल का इस्तेमाल करें, कार वगैरह रेफ्रिजरेटर वगैरह इस्तेमाल ना करें, लोकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, और इसके जगह पे हम लोग हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल करें। अब ये किस प्रकार से हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स अल्टरनेटिव के रूप में सामने आए हैं और कितना यूजफुल है, उस चीज़ को समझते हैं। तो होता क्या है कि जब हम लोग हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे कि CF3CHCl2 जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 1, 2, 3 के नाम से भी जानते हैं, तो अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो हाइड्रोजन के आ जाने से क्या होता है कि ये ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाता है ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडेशन इसका आसान हो जाता है और ट्रोपोस्फेयर में ही इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेथोस्फेयर में नहीं पहुँच पाते हैं। तो स्ट्रेथोस्फेयर में नहीं पहुँच पाएंगे तो ओजोन लेयर को इस तरह से डिप्लेट नहीं कर पाएंगे, ओजोन लेयर को किसी तरह से हानि नहीं पहुँचाएंगे। तो इसीलिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जगह पे हम लोग आजकल हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम लोग ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इसका एक साइड इफेक्ट यह भी है कि हाइड्रोजन के आ जाने से इसकी जो एक्टिवनेस है, बायोलॉजिकली जो एक्टिवनेस है वो बढ़ जाती है CFC की तुलना में, इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी CFC की तुलना में ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो देखा गया है कि जो चूहे हैं उनमें ट्यूमर होने का खतरा रहता है HCFC के प्रयोग करने से, हालांकि मानवों पर इसका कुछ तरह का अभी तक साइड इफेक्ट या टॉक्सिक इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ओजोन के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी कर ली, सभी चीज़ों को जान लिया। यहाँ पे दो चीज़ें और यहाँ पे बच गई हैं, वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग देशों ने ओजोन लेयर के डिप्लेशन को मिनिमाइज करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए सभी देशों ने सहमति बनाई कि हम लोग CFC वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, क्लोरोफ्लोर वाले कार्बन्स वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनका हम लोग यूज कम करेंगे, उसको मिनिमाइज करेंगे। 1996 में अमेरिका ने पूरी तरह से CFC का यूज पर बैन लगा दिया, काफ़ी बहुत ही अहम कदम था। इनके बारे में अलग अलग लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि वियना कन्वेंशन क्या होता है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कनाडा में हुआ था उसमें क्या क्या बातें बताई गई और क्या क्या लिमिट सेट किए गए क्लोरोफ्लोर कार्बन्स के इमिशन के लिए, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा जानकारी इकट्ठा कर लिया कि ओजोन क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, क्या क्या चीज़ें थी, हम लोगों ने कवर कर ली। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। अगर किसी तरह का फिर भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।